दोस्तों आज हमारे पास आ चुका है मोटो की तरफ से मोटो एच 50 न्यू। तो हम लोग आज इसी वीडियो में पूरी टेस्टिंग करेंगे कि कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, गेमिंग टेस्ट करके देखेंगे कि कैसा निकलता है रिजल्ट और ग्राफिक सेटिंग्स क्या निकलने वाली है BGMI में, सब हम लोग चेक करके देखेंगे। तो ये रहा बॉक्स, अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये आपको फोन देखने को मिलता है यहाँ पर, काफी ज्यादा प्यारा कलर है यार, बॉडी भी बहुत ज्यादा सॉलिड है और बैक में रबर टेक्सचर मिलता है, साइड में आपको स्टेनलेस स्टील है, टाइप सी केबल मिलता है और उसके साथ साथ 68 वॉट की फास्ट चार्जर। फोन का डिजाइन तो काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। वैसे पहली बार मोटोरोला ने कर्व डिस्प्ले छोड़ दिया और फ्लैट डिस्प्ले दिया है जो काफी ज्यादा कूल भी लग रहा है। सीपीयू थ्रॉटलिंग की बात की जाए तो ग्राफ एकदम हरा है, उतना ज्यादा थ्रॉटलिंग देखने को नहीं मिली। प्रोसेसर बहुत ज्यादा अच्छे से रिफाइंड किया है मोटोरोला ने। गीकबेंच के स्कोर्स की बात करो तो 1046 आया है और 3007, तो बहुत ज्यादा अच्छे स्कोर्स है 21,000 के फोन के हिसाब से। और अंतुतु के स्कोर्स भी आप देख सकते हो जो कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं। दोस्तों जल्दी से अब हम लोग गेमिंग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों बैटरी देख सकते हो 49% है, ब्राइटनेस हमने फुल कर दी है, रिसेंट ऐप सारे क्लियर है, टेम्परेचर देख सकते हो 31 के आसपास अभी चल रहा है। BGMI ऑन करते 1 2 3, जब तक BGMI ऑन हो रहा है तब तक थोड़ा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। 6.4 इंच की डिस्प्ले मिलती है इसमें आपको, MediaTek का Dimensity 7300 है, देखते हैं कितना ऑप्टिमाइज्ड है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। और उसके साथ साथ 4310 mAh की बैटरी भी मिलती है। 24 सेकंड से BGMI ऑन हो चुका है। दोस्तों ग्राफिक सेटिंग चेक करते हैं, स्मूथ पे आपको स्ट्रीम मिलता है और अल्ट्रा HDR की सेटिंग नहीं दी गई है। वैसे 90 FPS भी होना चाहिए था यार, HDR पे सिर्फ अल्ट्रा मिला है। सबसे पहले हम लोग खेलेंगे स्मूथ पे, एक्सट्रीम पे अप्लाई और गेम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 60 FPS कांस्टेंट आता भी है या नहीं आता है, टेम्परेचर कितना ज्यादा हीट अप करता है। दोस्तों देख सकते हो जायरो कितना ज्यादा अच्छा काम कर रहा है और 59 60 FPS आने लगा। यार बिल्ड क्वालिटी में तारीफ करना चाहूंगा, पीछे लेदर बैक है उसकी वजह से बहुत ज्यादा अच्छा ग्रिप मिल रहा है गेम खेलने में। तो काफी ज्यादा हार्ड मैच चल रहा है अभी, 20x22 का फर्क है बस। और गेमिंग तो यार काफी ज्यादा अच्छी करा रहा है, मतलब जरा भी लैग देखने को अभी तक से मुझे नहीं मिला। कलर रिप्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा अच्छा है। एक और TDM हम लोग खेल रहे हैं। दोस्तों अब हम लोग खेलते हैं हाईएस्ट सेटिंग्स पे, देखते हैं इसमें कितना FPS आएगा। ओ यार थोड़ा सा तो डिफरेंस देखने को भी मिल रहा है, हल्का हल्का जिटर यहाँ पर कर रहा है और 41 FPS अभी तो आ ही रहा है। यार जिटर काफी ज्यादा आ गया है, देख रहे हो लग नहीं पा रहा शॉट। अब यही होता है ना कि लैग कर रहा है फोन और उस टाइम पे यार गेमिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि आप एम करोगे कहीं और लगेगा वो कहीं और। अभी CPU यूजेज में देख सकता हूँ 59 के आसपास चल रहा है FPS, वैसे 40 रेगुलर आ रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इसी के साथ 15 मिनट कंप्लीट हो चुका है, बैटरी और टेम्परेचर जल्दी से देखते हैं हम लोग। बैटरी जा चुकी है 44%, 49% से 44 आया है, 5% का ड्रॉप हुआ। और टेम्परेचर देखते हैं, 31 के अराउंड टेम्परेचर चल रहा था और अभी 32 हो रहा है। देखो क्या होता है कि ग्लास बैक या फिर प्लास्टिक बैक रहता है तो काफी ज्यादा फोन हीट करता है, पर इसमें उतनी हीटिंग नहीं मिली क्योंकि इसमें आपको लेदर फिनिश बैक मिलता है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्मूथ एक्सट्रीम पे इरेंगल, 15 मिनट इसको खेलेंगे। और बात करूं अभी तक की एक्सपीरियंस की, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार, उतनी ज्यादा FPS ड्रॉप नहीं देखने को मिले, पर हां HDR पे अल्ट्रा पे हल्का देखने को मिल रहा है जो कि इस रेंज के फोन्स में होता है, मतलब उतना ज्यादा भी आपको स्मूथ नहीं मिलता है हाईएस्ट सेटिंग्स पे। इवन आप जब फ्लैगशिप फोन में भी जाते हो तो उसमें भी अल्ट्रा HDR जो सेटिंग होती है उसमें उतना ज्यादा स्मूथ नहीं रहता है। दोस्तों गेमिंग के लिए अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टर्बो मोड है जिसमें मैं खेल रहा हूँ अभी, और इससे ऑब्वियसली गेम की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। देखते हैं जंप करेंगे तो कितना ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स होता है। प्लेन में तो काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा है, एकदम 60 FPS रेगुलर आ रहा है। CPU की यूजेज भी 50 टच कर रही है अभी, और ये हमने जंप किया और FPS 49 तक चला गया, 60 फिर रेगुलर आ रहा है अब, और ये हम गए पानी में छपा। यार इरेंगल में भी जायरो काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा है और यहाँ पर अभी 60 FPS तो रेगुलर आ रहा है। बोल जा सिम, अरे बन नहीं नहीं शेड यार, गन कोई कोई मार दिया वो बेचारा मर गया। यार वैसे फोन में उतनी हीटिंग तो नहीं हो रही है, इतने देर से हम लोग खेल रहे हैं, हीटिंग जरा भी देखने को अभी तक से नहीं मिली है। स्मूथ तो काफी चल रहा है वैसे, अब देखते हैं वैसे HDR पे अल्ट्रा पे कितना स्मूथ चलता है। आधा घंटा हो गया, 39% जा चुकी है बैटरी, हमने 49 से स्टार्ट किया था, मतलब 10% का ड्रॉप आया। टेम्परेचर एक बार चेक कर लेते हैं, 34.9 मैक्सिमम टेम्परेचर गया। दोस्तों कोई उतर रहा है, एक सेकंड कोई उतर रहा है, कोई उतर रहा है। और शेट यार मार दिया, मैं यहाँ टेम्परेचर नाप रहा था और उसने मेरा टेम्परेचर
ठंडा कर दिया, तो उतना ज्यादा हीटिंग नहीं हुई फील। देखो ये चीज मुझे अच्छी लगी कि मोटोरोला काफी ज्यादा हीटिंग पे और परफॉर्मेंस पे ध्यान देता है, ठीक है, जो इस फोन से पता चल रहा है। अभी रुक जाओ, वैसे एक घंटा होने दो और अभी हम लोग ग्राफिक सेटिंग थोड़ी ज्यादा करेंगे इसमें HDR पे अल्ट्रा। रिकॉल तो कोई करता नहीं है, मैच ही लीव करते हैं, तो हम लोग खेलेंगे HDR पे अल्ट्रा पे। मैच स्टार्ट कर दिया, देखते कितना अच्छा ग्राफिक्स और परफॉर्मेंस आता है। यार वैसे फोन के स्पीकर्स भी काफी ज्यादा लाउड लगे, एक एक फुटस्टेप की आवाज आ रही थी, जिधर से मैं जा रहा था उधर से आ रही थी। डॉल्बी एटमॉस देखने को मिलता है तो काफी ज्यादा अच्छी साउंड आती है, बट हल्का हल्का जिटर तो देखने को मिल रहा है, थोड़ा वैसे कम स्मूथ है, पर हाँ देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। शेडोज भी काफी ज्यादा अच्छे बन रहे हैं। प्लेन से जंप करते हैं, देखते कितना FPS जाता है। 37 से कम नहीं गया, 40 ही चला गया उल्टा, मतलब उतना ज्यादा फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहा है। अरे यार मार दिया, ओ भाई साहब दोनों बंदूक खत्म। एक और बंदा आ रहा, भाग लो, मेरे पास कोई बंदूक नहीं कोई गोली नहीं है, भाग लेता हूँ अब तो, भाग ही लेता हूँ, मारा जाऊंगा ऐसे में। लो 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 गोली चलने लगी। अरे यार सामने से आ गया, अरे यार कहाँ पर था, एक एम्पर मार दिया मेरे को। 5 सेकंड बाकी है दोस्तों, 5 सेकंड में कम्प्लीट हो चुका है और 1 घंटा हो गया। बैटरी देख सकते हो दोस्तों 30% जा चुकी है 1 घंटे में, 19% का ड्रॉप आया, विच इज वेरी गुड यार। 19-20% तो ड्रॉप हो ही जाता है 1 घंटे की गेमिंग पे। टेम्परेचर भी देखते हैं थोड़ा सा कैसा आ रहा है दोस्तों, 30-31 चल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी इसने टेम्परेचर कंट्रोल किया, मजा आ गया यार। काफी सारे फोन 1 घंटे की गेमिंग बाद आराम से 40-45 तक जाते हैं, पर इसने बहुत ज्यादा अच्छी हीटिंग कंट्रोल की। और देखो एक और रीजन भी है इसका कि इसमें आपको लेदर बैक मिलता है, तो उतना ज्यादा लेदर बैक हीट नहीं करता है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक एंड ग्लास। बात करें अगर हम लोग बिल्ड एंड डिजाइन की, तो गेमिंग में यार काफी मजा आया, कोई भी दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिली। और मोटोरोला जो कर्व्ड फोन बनाता था, पहली बार फ्लैट डिस्प्ले वाला फोन बनाया है, जो गेमिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है। मतलब कर्व्ड डिस्प्ले में उतनी अच्छी गेमिंग नहीं हो पाती है, पर इसमें बहुत ज्यादा अच्छी हुई, ग्रिप भी मुझे अच्छा मिला, होल्ड भी काफी पीछे से अच्छा था, कैमरे से भी उतना मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। स्पीकर्स की बात करूं तो वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग थे, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है यार, तो कोई भी आपको साउंड क्वालिटी में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा एक और चीज नोटिस की मैंने कि इस फोन को जब मैं पकड़ रहा हूं तो काफी परफेक्टली फिट हो रहा है, मतलब कोई फोन पकड़ोगे आप तो या तो वो थोड़ा छोटा फील होता है या फिर थोड़ा बड़ा फील होता है, जिसको आपको 2 उंगली से चलाना पड़ता है। इसकी ग्रिप काफी ज्यादा अच्छी लगी, पुराने मोटोरोला के फोन में कर्व डिस्प्ले होता था तो उसके वजह से पतला फील होता था फोन, पर ये थोड़ा चौड़ा फील हो रहा है, ग्रिप काफी ज्यादा अच्छा है। और 2 बार पावर बटन दबाओगे तो कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है। डिस्प्ले की बात करूं तो बहुत रिफाइंड डिस्प्ले होती है, मोटोरोला की डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी चली आ रही है, मतलब स्टार्टिंग से ही इन्होंने बहुत अच्छे डिस्प्लेस बनाए और अभी तक उसको मेंटेन किया। देखो एक ब्रांड नई चीज लाता है पर उसको इंप्लीमेंट करना और उसको रिफाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो मोटोरोला ने बहुत ज्यादा अच्छे से किया है। बात करते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस की, देखो 60 FPS स्टेडियम पे बहुत मक्खन चला, मजा आया एकदम। HDR पे अल्ट्रा जब हमने शिफ्ट किया तो उस टाइम पे 40 FPS आ रहा था, पर थोड़ा लैग देखने को मिल रहा था जिससे गेमिंग उतना ज्यादा अच्छी नहीं हुई। पर देखो प्राइस कंसीडर करना है, 21-22 हजार के प्राइस रेंज में आने वाला है फोन, अभी मुझे एग्जैक्ट प्राइसिंग नहीं पता है, मैं लॉन्च से पहले वीडियो बना रहा हूं, थोड़ी प्रिविलेज मिल जाती है यूट्यूबर्स को दोस्तों, पर प्राइसिंग इसकी 21-22 हजार रहने वाली है। उस प्राइसिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी गेमिंग हुई, स्मूथ पे एक्सट्रीम पे मजा आया, जब हमने इरेंगल भी खेला स्मूथ एक्सट्रीम पे 60 FPS आया, लोवेस्ट 59-58 नॉर्मल रहा, पर स्मूथ पे बहुत ज्यादा अच्छी गेमिंग कराई। इरेंगल में HDR पे अल्ट्रा पे काफी अच्छी गेमिंग हुई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसी गेमिंग TDM में हुई है वैसी इसमें भी होगी, पर TDM से अच्छी गेमिंग इसने इरेंगल में निकाली, तो मजा आया गेमिंग करने में। और सच बताऊं तो ये कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया दोस्तों, फोन काफी ज्यादा अच्छा है, 21 हजार के हिसाब से डेफिनेटली ले सकते हो और प्राइसिंग लो आ सकती है यार ऑफर डिस्काउंट लगाने के बाद। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाके चेकआउट करो फोन को। ऐसी वीडियोस के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।